मेरा नाम जयवर्धन है और मैं महेंद्रगढ़ नगर से मात्र 5 किलोमीटर दूरी पर मेरा गांव स्थित है। क्या नाम है गांव का? लावन गांव से मैं। लावन गांव से हैं। जुई है, चंदावास है, बाबरवास है, इधर के लुहारू की तरफ भी मेरा आना जाना हुआ है। शुभ नाम मेरा रवि दत्त है, गांव मेरा खादोड़ा है, जिला महेंद्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मेरा नाम विजय मोटू है और गांव है मेरा उमरवास। मेरा नाम मुकेश कुमार है जी, मेरा गांव बलाइचा है, जिला महेंद्रगढ़। मैं ऋषि परमार एडवोकेट हूं, बार एसोसिएशन भिवानी का प्रधान भी रह चुका हूं, 2 वर्ष सचिव भी रहा हूं। नमस्कार जी, मेरा नाम विकास है। विकास जी। नाम जी सर प्रवीण भारद्वाज, गांव नीची बांडोर। मैं आपका महेंद्रगढ़ पहुंचने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम मदन पाल सैनी एडवोकेट है। नमस्कार, इस समय मैं गांव सौंफ कासनी में हूं। बाऊजी सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बताएं और आपका गांव कौन सा है? जगदीश प्रसाद, गांव मालड़ा। नमस्कार जी, मेरा नाम इंद्र प्रकाश मेहरान है, मैं भिवानी रहता हूं और जुई गांव से बिलोंग करता हूं। जी हमारा गांव रजावास है जी, और नाम राजकुमार है जी। तो जिला महेंद्रगढ़ जी, देखो जी हमारे पास कई गाँव के लोग आते हैं और कई जातियों के लोग आते हैं। शुभ नाम जी मेरा कृष्ण है और मैं आकुदा गांव से बिलोंग करता हूं। आज मेरे साथ में हमारे ग्रामीण भाई हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि भिवानी के आसपास के जो गांव हैं उनका माहौल क्या है। मेरा शुभ नाम जी अरपाल है, ब्लॉक समिति पूर्व चेयरमैन, अलका दादरी, और गांव कौन सा है? गांव छपार से हूँ जी। जिस तरह जवान वोट है, नया वोट है, उसका चाव है जो 18 साल से लेके 25-26 साल तक जो नया वोट है वो 100% वोट वोटिंग करेगा जी। इस समय आप देख रहे हैं YouTube TV। मेरा नाम प्रतिष्ठा शर्मा है और मैं भिवानी से हूँ। मेरा मैसेज यही है कि आप, मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ, मैं वोट करने जा रही हूँ और जिस दिन वोट के लिए छुट्टी होती है कुछ दिन उसे मतलब हॉलीडे समझ के अपना इन्जॉयमेंट करने लग जाते हैं, ये बहुत ही गलत है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग वोट करें। मैं नहीं कहती कि आप उस पार्टी को वोट करें उसको, मैं चाहती हूँ आप किसी भी पार्टी को वोट करें लेकिन वोट करें। आप हमारे देश में 55% वोट गिरते हैं लेकिन मैं चाहते हूँ कि बार 90% वोटिंग हो आपकी बार अपने देश में, ताकि मतलब हमारा देश भी आगे जाए जैसे और कंट्रीज जा रही हैं। ऐसे बस आप अपनी बेटी बहन मुझे कुछ भी मानकर मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें और आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप आपकी बार वोट जरूर दें, मतदान जरूर करें। जय हिंद। नमस्कार दर्शकों, आज मैं महेंद्रगढ़ में हूँ और यहाँ पर समाज के विभिन्न व्यक्तित्वों से ये जानकारी हासिल कर रहा हूँ कि उनके गांव का रुझान क्या है। हमारे साथ में एक युवा है, भाई जी सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और आप किस गांव से हैं? नमस्कार, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप महेंद्रगढ़ के पवन धरा पे आए हैं और इस तरीके की जनता के मन को टटोल कर और इसकी भावनाओं को जानना चाह रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपका पहले तो बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। दूसरा, मेरे परिचय के नाते मैं, मेरा नाम जयवर्धन है और मैं महेंद्रगढ़ नगर से मात्र 5 किलोमीटर दूरी पर मेरा गांव स्थित है। क्या नाम है गांव का? लावन गांव से मैं। लावन गांव से हैं। जयवर्धन। जयवर्धन जयवर्धन जी, आपकी दृष्टि में जो आपका गाँव है लावन, यहाँ पर किस पार्टी का रुझान है, किस पार्टी को ज़्यादा वोट प्राप्त होने जा रहे हैं, यदि आप को कोई आइडिया हो तो कृपया बताएं। देखिए, पूरा देश आज मन बना के बैठा है कि ऐसी ताकतों जो देश विरोधी ताकतें हैं उनका बिल्कुल भी सहयोग नहीं करना। ऐसा लोग मन बना के बैठे हैं कि एक ऐसा नेता आया है हमारे पास जो पूरे विश्व में जिसने भारत का डंका बजा रखा है, चाहे वो कोई भी पटल हो, चाहे कहीं पे भी चले जाओ, आज भारतवर्षीय का सर ऊंचा है, गर्व से ऊंचा है। ऐसी शख्सियत को हम अपना देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और मैं नहीं, ये पूरा मेरा गांव, मेरा मोहल्ला, मेरे सभी
यारी प्यारी रिश्तेदारी सबसे जिससे भी पूछते हैं तो उनका यही कहना है कि वोट फॉर मोदी, मोदी नहीं तो कुछ नहीं, मोदी ही है जो। तो ये तो स्पष्ट है कि लोग बाग मतदान कर रहे हैं, सोच समझ के कर रहे हैं, अच्छे लोग को कर रहे हैं। यदि मैं इसका कोई एक दो कारण आपके श्रीमुख से जानना चाहूं कि मोदी में क्यों है। देखिए बंधुवर, ये मेरा, मैं जिस एरिया से आता हूं वो हमारे दक्षिण हरियाणा के बिल्कुल दक्षिण में राजस्थान के टच का एरिया है। अच्छा जी। जब से मोदी सरकार आई है या आप कहेंगे कि स्टेट में भाजपा सरकार आई है, तो सबसे पहली उपलब्धि हमारे यहाँ पानी की बड़ी भारी समस्या रही। अच्छा जी। ये हमारे लिए जीवन मरण का काम है कि ये जो एक्सवाइल का पानी हुआ या नहरी पानी हमारे एरिया में आना, ये जीवन मरण का काम है जी। तो सर्वप्रथम भाजपा सरकार ने इस धरती की प्यास बुझाने के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। हर जगह आज जहाँ पानी का लेवल 800 फीट तक चला गया था, आज वो वापस आके 300-200 इस पे है, क्योंकि भाजपा सरकार की ऐसी उपलब्धियाँ रही जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पानी इधर वो किया, चाहे नदियों में डालने का काम हो या कच्चे सप्लाई किया, चाहे कैसे भी करके भूजल स्तर को उन्होंने उच्च लाने का काम किया है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे अक्सर नौकरियों में बड़ा भेदभाव होता था जी। जबकि हमारे यदि देखे जाए तो साक्षरता दर में हम दूसरे तीसरे नंबर पर आता है ये ज़िला। यहाँ पे तीसरे नंबर, पहला मान के चलो गुड़गांव और रेवाड़ी, उसके बाद महेंद्रगढ़ सबसे साक्षर जिलों में से एक है। उसके उपरांत भी यहाँ पे सरकारी नौकरियों का अभाव रहा करता था, अकाल था, अकाल पड़ा हुआ था कि कहीं पे भी चले जाओ यहाँ के व्यक्ति हमें कहीं नहीं मिलते थे। पिछले 10 साल में यहाँ की सरकार एक ऐसी, मैं तो कहूँगा वो हमारे लिए वरदान साबित होके ऐसी सरकार बनी जिसने बिना खर्ची और बिना पर्ची के सिर्फ और सिर्फ योग्यता के आधार पर हमारे युवाओं की भर्ती की गई। और उस भर्ती में चाहे हमारा युवा इतना निखर के सामने आया, जहाँ 100 भर्ती करनी थी उसमें कम से कम नहीं 40 बच्चे हमारे महेंद्रगढ़ के थे और 60 बच्चे पूरे हरियाणा के। इस तरीके से उनकी प्रतिभा का निखर के वो सामने आया, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आपकी दृष्टि से मोटा मोटी मैं एक रुझान की बात कर रहा हूँ, कितने प्रतिशत वोट किस पार्टी को मिल रहा है? देखिए जी, एक तरफा हमारे यहाँ चौधरी धर्मवीर जी की एक तरफा लहर है, इसमें कोई निसंदेह कोई भाई कुछ भी कहे, कोई लोग कितना भी हाउलड़ मचाए कि हम जीत रहे हैं, इनका काम हाउलड़ मचाना है, राजकता फैलाना है। शांतिप्रिय तरीके से, सभ्य तरीके से हमारी पार्टी चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है, और आप देखेंगे कि एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ चौधरी धर्मवीर जी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा जीत कर निकलेंगे। भाई जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए और हमारे दर्शकों को आपने अपने विचारों से रूबरू करवाया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी आवाज़ सुनी और महेंद्रगढ़ के जन जन तक ये आवाज़ पहुँचे। और मैं एक और निवेदन करूँगा कि 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा 100% मतदान करें और अच्छे को चुने, अच्छे में से भी अच्छे को चुने। ठीक है, आप देखिए देश के लिए कौन भला कर सकता है, कौन उस ऐसे व्यक्ति को वोट ना दें जो संसद में खड़ा होकर आंख मारे। मैं तो यही आपसे निवेदन करूँगा। देखिए, हमारे इस नवयुवक ने एक बहुत गहरी बात कही है कि अच्छा न चुने, अच्छे में से भी अच्छे को चुने, अच्छाई में से भी अच्छाई का चयन ही करना चाहिए। भाई जी, मैं पुनः आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। नमस्कार दर्शकों, आज मैं भिवानी बार एसोसिएशन में आया हुआ हूं और हमारे साथ में यहां के एक बहुत ही नामी गिरामी व्यक्तित्व हैं, इनका मैं इंट्रोडक्शन आपसे करवाऊंगा और इनसे जानना चाहूंगा कि जो 25 तारीख को मतदान हो रहा है उसका रुझान ये क्या महसूस कर रहे हैं, इनकी क्या ऑब्जर्वेशन है।
भाई जी, सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम ललित शर्मा एडवोकेट है और करीब पिछले 25 सालों से भिवानी जिला अदालत में मैं अपना प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ललित जी, आपका तो एक बहुत बड़ा सामाजिक दायरा है, तो आप हर प्रकार के वर्ग के व्यक्ति के साथ उठते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। क्या लगता है 25 मई को मतदान ज़्यादातर किधर जा रहा है, कांग्रेस की तरफ या बीजेपी की तरफ? देखो, मेरे पास काफ़ी क्लाइंटेज भी है, सामाजिक दायरा भी है और मैं लोगों के बीच में भी मेरे उठता बैठता रहता हूँ, बातचीत इलेक्शन के बारे में भी चलती रहती है। सबसे बड़ा मुद्दा आज के दिन जो चल रहा है कि देश हित है, जो क्योंकि देश की सुरक्षा, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो 1995 से लेकर 2014 तक जो देश हित और देश की सुरक्षा के खिलवाड़ किया गया कि उसके बारे में ना तो कोई आर्मी के लिए संसाधन जुटाए गए और एक उनको पंगू बना के छोड़ दिया गया था, और मोदी जी की सरकार ने आके 2014 के अंदर जितनी भी आर्मीज को फैसिलिटी चाहिए थी, भाई रिमोट एरियाज़ में सड़क बना के देना, टनल बना के देना, और हमारी सुरक्षा को देश के आखिरी हिस्से तक लेके गए हैं, और जितने भी उनको वेपन्स चाहिए थे उनका देश में ही खुद का निर्माण करना, इंडिजियस कंपनी लगाना ताकि हमें बाहर से इंपोर्ट नहीं करने पड़े, और जो जरूरतें यहाँ से पूरी नहीं हो सकती थी वो बाहर से अच्छे अच्छे विमानों को लेके आना, तो वो पूर्ति की है। देश का विकास जब ही हो सकता है जब वो बाहरी आक्रांता शक्तियों से एकदम अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, तभी वो अपना आंतरिक विकास पूर्ण कर सकता है। आपने जो विषय अभी हमारे दर्शकों के समक्ष रखे हैं, क्या इन सभी विषयों पर जो एक आम जनमानस है उनसे वार्तालाप होता रहता है? हाँ, बिल्कुल होता रहता है, आंतरिक मामले भी होते रहते हैं, देश हित भी एक बड़ा मुख्य मुद्दा होता है, और फिर भी रोजगार है, बेरोजगार है। कि रोजगार की तो बातें क्या है कि जो पुराना समय था रोजगार चलता था कि भी हमें सरकारी नौकरी में जाना है, जो क्योंकि जो जो तकनीकी बढ़ेगी, डिजिटाइजेशन होगा, तो आप एक बात तो समझ के चलो कि सरकारी नौकरियाँ भी कम होती जाएगी, प्राइवेट नौकरियां भी कम होती जाएगी। अब मेन मुद्दा रहेगा कि मैं जो इस सरकार का सबसे बड़ा चीज मानता हूं कि इन्होंने जो कौशल विकास वाला जो एक मंत्र खोला था कि जिससे कि भी कम से कम लोगों को अपना एक हुनर दे कि भी वो अपने आप को खुद स्किल करे उस चीज़ के बारे में, और अपनी कमाई है वो खुद उस स्किल के हिसाब से अपनी अर्निंग और सोर्स ऑफ इनकम को अपने जनरेट कर सके, क्योंकि धीरे 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 करके जितना टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी जो जो मैन पावर की कम जरूरत पड़ेगी और वो रोजगार सरकारी में या अर्ध सरकारी या प्राइवेट सेक्टर वह कम होते जाएंगे, तो आदमी को डेवलप करना और उनको फिर धीरे धीरे करके सक्षम, जो इनका चल रहा है कार्यक्रम उसके अनुसार उनको टेम्परेरी एडजस्ट करके उनके आय के साधन को सर्जित करना, वो एक बड़ा मुख्य कार्य इनका। तो जैसा कि मैंने आपसे पूछा था, आपको क्या लगता है 25 मई को ज़्यादातर मतदान, जो आपके सर्कल के लोग हैं 1,000, 2,000, 5,000 जितने भी हैं, क्या लगता है उनका रुझान किस तरफ है, कांग्रेस की तरफ या बीजेपी की तरफ? देखो ऐसा है जी, हमें मेरी जो सोच है और काफ़ी लोगों की जो सोच, लोगों के विचार भी आ रहे हैं मेरे पास से भी आ रहे हैं जो भी जितने, तो उनका मेन मुद्दा यही है कि हमें कम से कम 5 साल और मोदी की और सख्त जरूरत है, क्योंकि इन पिछले 10 सालों के अंदर मोदी सरकार के अंदर पूरे देश का सम्मान पूरे वर्ल्ड में बढ़ा है और एक इमेज बढ़ी है। आप आर्थिक दृष्टि से भी देखोगे तो पहले जो 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी वो 3 ट्रिलियन तक पहुंच गई है और आगे भी विकास के कार्य होते जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी दिशा में देखेंगे, चाहे रोड में भी देखेंगे। मेन क्या कि स्पीड से काम होना जी। तो 10 साल में इन्होंने बहुत से मुद्दों को जमीन से ऊपर तक धरातल से लेके आए हैं और उनको उस गति जो दी गई है, काम तो पहले की भी सरकारों में होते थे लेकिन गति नहीं होती थी, और आज एक हमारा जो देश है आज़ादी के बाद से एक पूरा, जैसे कहते हैं व्यस्क देश हो गया, क्योंकि 75 साल हमारे आज़ादी के हो चुके हैं, तो व्यस्क देश हो गया, हम इसको बूढ़ा नहीं कह सकते। तो अभी ये जवान है और इसकी जो एम्पावरमेंट है, जो लोगों की जो एफिशिएंसी है उसको यूज़ करना, और इस सरकार में पीछे से धीरे धीरे बहुत अच्छा हो रहा है और उसमें गति प्रदान की गई है, क्योंकि और जो चुनाव होता है, चुनाव एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम देश के विकास को गति और दिशा प्रदान करते हैं। अगर हम आज, मैं तो सभी मतदाताओं से जितने भी है उनसे अनुरोध करता हूँ कि अपना मतदान जरूर डालें, क्योंकि आप मतदान से ही अपना खुद का विकास, समाज का विकास, अपने राज्य का विकास और देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप मतदान नहीं देंगे तो आपको किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है, कोई भी सरकार चुन के आओ उनसे एक भी सवाल पूछने का कि ये नहीं किया नहीं किया। आपकी जवाबदेही जब बनती है जब अपना अपने राइट, अपने अधिकार का प्रयोग कर लिया है, पार्टिसिपेट किया उसके अंदर, और फिर आप पूछ सकते हैं जी हमने मतदान किया था, हमने अधिकार का प्रयोग किया है, और आपकी जवाबदेही ये बनती है कि हमारे इन कार्यों को पूरा करें।
दिलीप जी, आपका जो व्यवसाय है उसमें आपका अनेकों गाँव में भी आना जाना रहता होगा, तो मैं ये चाहूँगा कि आप उन गाँव का नाम बताएं और उन गाँव का रुझान क्या है, दो शब्दों में वो भी क्लियर करें। देखो, मैं अभी पीछे भी दिनों में इधर जुई है, चंदावास है, बाबरवास है, इधर के लुहारू की तरफ भी मेरा आना जाना हुआ है। लोगों में स्पष्ट है कि भाई बीजेपी की तरफ रुझान ज़्यादा है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि आजकल गाँव अपने आप को गाँव नहीं समझता, क्योंकि वो भी एक शहर के बराबर इकाई बन गए हैं, क्योंकि जो सड़कें, जो गलियां, पानी हो गया, जो गांव में जो सुविधाएं पहुंच गई है, तो वो उसमें कमी ये नहीं रही, नाम उनका गांव रह गया है, लेकिन वो कुछ दृष्टि से वो शहर के बराबर भी हो गया, स्टैंडर्ड जो है वो शहर जैसा हो गया है, धीरे धीरे बढ़ता भी जा रहा है जो फैसिलिटी है। और सबसे बड़े मुख्य मुद्दे क्या है कि इस सरकार के अंदर जो डिजिटाइजेशन किया गया है, जो अपने लोगों को एक काम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की तरफ भागना पड़ता था या दलालों के चक्कर काटने पड़ते थे और फिर लाइनें लगती थी, आप डिजिटाइजेशन से आप सरल केंद्र खुले हैं और ये देखोगे तो आपको जाओ या आपको ये नहीं है कि भाई इस आदमी का काम पहले हो गया, मेरा क्यों नहीं आया, आराम से जो अपने जिसके जिसका नंबर आ रहा है धीरे धीरे वो अपना काम हो रहा है, बिचौलिए बीच के सभी खत्म हो गए। तो गाँव वालों का क्या मानना है कि बीजेपी को चुनेंगे? उनको जो ऑब्वियस है, किसी भी आदमी को जब किसी भी सुविधा से आराम मिलता है और सरल होती है चीजें, तो उनका मत भी जो भी बनेगा उनका वो उसी की तरफ जाएगा। ललित जी, आपका बहुत व्यस्त समय है और आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर हमें 2 मिनट दिए, अपने विचारों से हमारे दर्शकों को अवगत करवाया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, इस समय मैं महेंद्रगढ़ में हूं और महेंद्रगढ़ में एक सज्जन से हमारी मुलाकात हुई है, इनसे जानते हैं कि ये कौन से गांव से हैं और उस गांव का रुझान क्या है। बाबू जी, सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बताएं और आपका गांव कौन सा है? शुभ नाम मेरा रविदत्त है, गांव मेरा खादोड़ा है, जिला महेंद्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। रवि भाई, क्या लगता है 25 मई को जो आपका गाँव है खातोदड़ा, वो ज़्यादातर मतदान किस पार्टी को करेगा? हमारे गांव में सबसे ज़्यादा 80% वोट बीजेपी को है जी। अच्छा जी, हाँ जी, तो 80% वोट बीजेपी को क्यों है? जो उसने जी, हमारे मोदी सरकार ने बढ़िया काम किए हैं जी, हमारे गांव में रोड बनवाए हैं, पानी की सुविधा कर दी, हमारे 10-12 लड़के इसकी बीजेपी सरकार में लगे हैं और हमारे अड़ोसी पड़ोसी गाँव में बढ़िया काम रखे हैं जी, पानी के होद भी मनवाए हैं, जोड़ भी मनवाए हैं, बड़े बड़े टंकी बनवाई हैं जी, और बलाना में, खातोद में, खारा में इसके बढ़िया रोड बनवाए हैं, बिजली की सुविधा कर दी, ऊपर पानी की टंकी की व्यवस्था कर दी जी, और हमारे गरीबों को राशन भी दे रहे हैं, हमारी 2000 रुपये पैसे भी डालते हैं किसी किसान की आयुष्मान कार्ड, किसान सम्मान निधि, हाँ किसान सम्मान निधि डालते हैं और आयुष्मान कार्ड भी बनवा रखे हैं जी, और बढ़िया हमारे राशन भी दिलवा रहा है, इसलिए हम मोदी को वोट दे रहे हैं सर। रवि जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद जी। ये जुई खुर्द का बस स्टैंड है और हमारे साथ में एक और सम्माननीय व्यक्तित्व हैं, यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आए हैं। भाई जी, सबसे पहले अपना शुभ नाम और आप कौन से गाँव से हैं, कहाँ से हैं, कृपया बताएं। मेरा नाम विजय मोटू है और गांव है मेरा उम्रवास। ये विजय मोटू जी हैं, मोटू इनका सरनेम है, एक प्रकार से लोगों ने तखल्लुस लगा दिया होगा, नाम तो विजय ही है और उम्रवास गांव से हैं। विजय जी, आपको क्या लगता है 25 मई को आपका उम्रवास गांव ज़्यादातर वोट किस पार्टी को देने जा रहा है? ज़्यादातर वोट कांग्रेस पार्टी को देगा। तो इसका कोई आप कारण बताना चाहेंगे? इसका कारण ये है कि ये जो सरकार, जो पिछले 10 साल से जो मोदी की सरकार है, ये तानाशाह सरकार है, इसने किसी वर्ग को भी नहीं बख्शा, चाहे कोई आंगनवाड़ी वर्कर ने स्ट्राइक की, चाहे सरपंचों ने की, चाहे कर्मचारियों ने की, चाहे व्यापारियों ने की, इन्होंने किसी को नहीं बख्शा, सबके साथ इन्होंने व्यवहार अच्छा नहीं किया। एक कारण तो ये है। दूसरा है, जो ये इलाका जो है, चाहे जुई का ला लो, बाड़ा का लगा लो, ये जो इलाका है, सारा इलाका किसान वर्ग से है, जो पिछले कई दिनों से किसान धरने पर वहाँ दिल्ली में बैठे रहे, उनके साथ बड़ा व्यवहार अच्छा नहीं हुआ और मोदी ने, प्रधानमंत्री ने कोई एक शब्द भी सरकार के लिए, किसानों के लिए कभी भी एक शब्द का भी प्रयोग नहीं किया, इसलिए लोगों में
जबरदस्त नाराजगी इसलिए है भाई, सबसे ज़्यादा नाराजगी किसान वर्ग से शुरू हो रही है। हर आदमी किसान वर्ग से जुड़ रहा है, चाहे वो कर्मचारी है चाहे और है, वो सब किसान वर्ग से जुड़े हुए हैं। इलाका किसानी इलाका है इसलिए है सबसे ज़्यादा, नहीं तो पिछले दो योजना से बीजेपी को इस इलाके में 80% वोट मिले थे जी, कांग्रेस के कैंडिडेट को 20% में संतुष्टि करनी पड़ी थी। आज नाराजगी का कारण सिर्फ यही है। तो विजय भाई, यदि आपके श्रीमुख से मैं जानना चाहूँ, लगभग कितने प्रतिशत वोट मिलने की संभावना है जेजेपी इसको, कांग्रेस बीजेपी को? ऐसा है, मेरे अंदाजा तो ये है भाई, 70% प्लस वोट कांग्रेस को मिलेंगे, बाकी में सारे ये जैसे जेजेपी बीजेपी रहेगा। विजय भाई, आपने अपने विचार व्यक्त किए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आज मैं महेंद्रगढ़ में हूं और यहां पर रुझान जानने आया हूं, किस गांव का क्या रुझान है। एक और व्यक्ति तो हमारे साथ में है, भाई जी अपना शुभ नाम बताएं और आप कौन से गांव से हैं? मेरा नाम मुकेश कुमार है जी, मेरा गांव बलाइचा है, जिला महेंद्रगढ़ का रहने वाला हूं। मुकेश जी, आपको क्या लगता है 25 मई को आपका जो गांव है बलाइचा जी, ये ज़्यादातर वोट किस पार्टी को करेगा, कांग्रेस को, बीजेपी को, इनेलो को, जेजेपी को, बसपा को या आप पार्टी को? सर, मेरा गांव 100% वोट राष्ट्रहित में, जो कि हमारे अभिनंदन जी को 24 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री जी ने वापस ला दिया था, उसके लिए करेंगे। सर, एक मेरा बड़ाइचा गांव से नहीं, गांव निम्बड़ा, गांव सोड़ा, गांव ढाड़ो, डालनवास, जो हमारी पूरी लीड है उसमें ये किसी भी घर के पास चले जाते हैं, लोग चाय पानी सब कुछ के लिए आके बोलते हैं, अरे बोलो वोट हम सुबह सुबह ही डाल देंगे। इतनी मेहनत, हर आदमी के अंदर इतनी जागरूकता है, बोले तो देश के लिए कर रहे हैं। कितने प्रतिशत वोट करने जा रहा है आपका बलाइचा गांव? बलाइचा गांव 100%। मुकेश जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे समय दिया और अपने शब्दों से हमारे दर्शकों को अवगत करवाया, पुनः आपका धन्यवाद जी। नमस्कार दर्शकों, आइए मैं आपको भिवानी के एक और व्यक्तित्व से मिलवाता हूं, जो हमें बताएंगे कि आने वाली 25 मई को ज़्यादातर मतदान किस तरफ होने जा रहा है, किस पार्टी को सबसे ज़्यादा मत हासिल होने जा रहे हैं। भाई जी, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के समक्ष आप अपना परिचय रखें। मैं ऋषि परमार एडवोकेट हूँ, बार एसोसिएशन भिवानी का प्रधान भी रह चुका हूँ, 2 वर्ष सचिव भी रहा हूँ। ऋषि जी, आपका जो सर्कल है एक बहुत बड़ा व्यापक सर्कल है, सामाजिक दायरा है आपका, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आने वाली 25 मई को आपका जितना भी सर्कल है उसका रुझान ज़्यादातर आपको किस तरफ लगा? एक मोटा मोटी आइडिया ले रहे हैं कि ज़्यादातर वोट कांग्रेस को जाने वाले हैं, बीजेपी को जाने वाले हैं या किसी अन्य पार्टी को? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं, ज़्यादातर रुझान है ना बीजेपी का है, मोदी का चेहरा है, पसंद करते हैं उसके, और 10 साल का जो कार्यकाल उसका रहा है, जिस तरह से पूरे विश्व के अंदर एक देश की एक पहचान बनी है, सशक्त नेतृत्व मिला है हिंदुस्तान को, सारी सीमाएं सुरक्षित की हैं, आर्थिक मुद्दों की जहाँ तक बात है तो आखिरी छोर तक अपनी लाभकारी योजनाएं पहुँचाई है, बीच में कोई भी किसी किस्म की दलाली करने वाले डायरेक्ट बेनिफिट उनके खातों में जाता है जी। गरीबों को खातों से जोड़ा गया जी। बहुत योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने इसको अंजाम दिया है, ताकि भ्रष्टाचार के करने वालों के लिए कोई भी जगह नहीं रहे। जहाँ तक पूरे देश में विकास का है, आप पता है पूरा कनेक्टिविटी देखेंगे, हाईवे देखेंगे, पूरा देश में कितना विकास हो रहा है जी। आज चंडीगढ़ पहुँचना हो तो पहले 6 घंटे लगा तो 2 घंटे में पहुँच जाएंगे जी। जयपुर से चंडीगढ़ जितना कनेक्टिविटी रोडों की जो हुई है इस 10 साल में, जिस स्पीड से हुई है, तो उसका श्रेय है ना गडकरी जी को जाता है, कितना डेडिकेटेड बंदा है जी जी। और पूरा टीम जो बीजेपी के मोदी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा काम करी है जी। जिसको
मुकाबले में कोई अपोजिशन का खड़ा ही नहीं हो रहा, इसे लोगों के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आपकी दृष्टि में यानी कि ज़्यादातर मतदान बीजेपी के पक्ष में होने जा रहा है? हाँ बिल्कुल निसंदेह, क्योंकि प्रधान का फैसला होना है, देश का प्रधान नेतृत्व तो किसके हाथ में देश का सुरक्षित रहेगा, ये हर कोई सोचने के लिए विवश है। सामने कोई विपक्ष के जितने भी एनडी बन रहे हैं उनका क्या चरित्र है, कोई पारिवारिक पार्टियां हैं, उनका गठजोड़ है, सब भ्रष्टाचार में लिप्त है जी। तो उनको पूरा देश, और मोदी हो ये किसके लिए भ्रष्टाचार करेंगे, देश के लिए समर्पित हैं जी। तो ये सब लोगों से छुपी नहीं है, इस करके मोदी का बेदाग व्यक्तित्व है और उसकी एक ही सोच है कि देश का को विकसित से विकसित बनाकर तीसरे नंबर की बनाने की उसकी योजना ही 5 सालों के अंदर पहुँचा देगा देश को जी। और जितने पहले देखो आप सब ने पता है, पूरे देश ने पता है कितने दंगे होते थे, कितने आतंकवादी होते, कश्मीर का क्या हाल था जी। 370 धारा कोई हटाने की कोई हिम्मत से कर सकता था जी, जी। राम मंदिर बना है, 500 सालों से जो संघर्ष चल रहा था वो सपना पूरा हुआ है, अनेकों ऐसे बोल्ड कदम कोई मजबूत व्यक्तित्व वाला ही उठा सकता है, कोई लंजू पंजू का हाथ की बात नहीं है। कहना कुछ आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल है देश के लिए जी। मैं ये चाहूँगा आपसे, मेरी प्रार्थना है कि आप अपने शब्दों में हमारे दर्शकों को एक मैसेज दें कि वो वोट अवश्य करें, भले ही किसी को भी करें लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि हरियाणा में कम से कम अब की बार 80% से ज़्यादा तो वोटिंग अवश्य होनी चाहिए। अपने शब्दों में कृपया ये मैसेज हमारे दर्शकों तक पहुँचाएँ। बिल्कुल, मैं सभी दर्शकों से हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि लोकतंत्र का ये पर्व है और लोकतंत्र की मजबूत बनाने के लिए वोट डालना बहुत आवश्यक है। ये जो राइट जो मिला है ये कोई छोटा मोटा राइट नहीं है, इससे सरकारें बनती हैं बिगड़ती हैं। और अपने मताधिकार का जरूर प्रयोग करें, किसी किस्म की कोई कोताही नहीं करें, एक दिन की बात है लाइनों में लगना पड़े, लगें त्याग करें, समय निकालें और पोलिंग बूथों पर जाकर अपना मत दें ताकि इस देश का विकास कार्य में अपना योगदान कंस्ट्रक्टिव दिया जा सके। ऋषि जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, इस समय मैं गांव नांगल में हूँ और नांगल गांव के एक युवा हमारे साथ में है। भाई साहब सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताएं। नमस्कार जी, मेरा नाम विकास है। विकास जी अपने गांव में क्या माहौल है? जी लोकसभा चुनाव के लिए उत्साह है पूरे गाँव में, हमारे गांव में माहौल ज़्यादातर कांग्रेस का ही है। यदि हम विकास जी परसेंटेज की बात करें, मान लीजिए नांगल गांव में जो वोटर हैं उनमें से कितने प्रतिशत, आपकी दृष्टि में एक आइडिया है, एक सर्वे हो रहा है ये, तो आपके हिसाब से कितने प्रतिशत बीजेपी को कितने प्रतिशत कांग्रेस को वोट देने की संभावना है? जैसा मेरे गाँव के हिसाब से मुझे लगता है माहौल तो टोटली ही कांग्रेस की तरफ है, और परसेंटेज की अगर आप कह रहे हो तो उसमें मैं बताऊं तो 95% कांग्रेस की तरफ और ओनली 5% बीजेपी की तरफ रहता है। विकास जी आपने विचार व्यक्त किए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद। दर्शकों जैसा कि मैंने आपको बताया इस समय मैं गांव नांगल में हूँ और यहाँ के एक और व्यक्तित्व तो हमारे साथ में है। भाई जी आपका सबसे पहले तो शुभ नाम बताएं। नरेश कुमार। नरेश जी आपके हिसाब से एक ओवरऑल गांव का माहौल क्या है, बीजेपी को लोग वोट देने जा रहे हैं या कांग्रेस को? भाई साहब माहौल तो बहुत बढ़िया चल रहा है, खूब रुझान है लोगों का, भाजपा तो बहुत परेशान हो रहे हैं, रही बात कांग्रेस का बढ़िया माहौल चल रहा है। मेरे गांव में लगभग 1300-1400 वोट पुल होंगे जिनमें तो 1100 के लगभग कांग्रेस के वोट हो जाने चाहिए। नरेश जी आपने अपने विचार व्यक्त किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया आज मैं गांव नांगल में आया हुआ हूं और हमारे साथ में यहां के एक और व्यक्तित्व हैं। भाई जी सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताएं। कैलाश चंद्र झाझड़िया। कैलाश चंद्र झाझड़िया जी आपका गाँव के ज़्यादातर मतदाता किस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं, बीजेपी से छके हुए बिल्कुल। अच्छा अभी दो बातें पैदा हो गई हैं, नंबर एक कांग्रेस पार्टी में आपको खासियत क्या नजर आई और बीजेपी से क्यों छके हुए हैं, दोनों बातें बताइए। बीजेपी ने एक तो बच्चा का रोजगार खत्म कर दिया,
और कांग्रेस का राज में सारी चीज़ों की सुविधा दी गई, कागजा इसी कर दी, समझ में ना हो जमींदारा का कोई भी चीज़। उन कागजा के चक्कर में संदूक भरे बैठे से, रोज वो कागज लियाओ आज वो लियाओ। तो इसकी वजह तय भी रे कि रोजगार ख़त्म करने की वजह तय कई चीज़ इस टाइप की कर दी बीजेपी ने, जिससे मतलब परेशान होगी जनता, इनको वोट देने से इनकार कर दी। तो यदि हम झाझड़िया जी परसेंटेज की बात करें कि आपके गांव के जो कुल मतदाता हैं उनमें से कितने प्रतिशत कांग्रेस को वोट देंगे, कितने प्रतिशत दूसरी पार्टियों को, यदि आप एक आइडिया बताना चाहें तो स्वागत है। 90% कांग्रेस और 10% बीजेपी। झाझड़िया जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए, हमारे दर्शकों को अपने विचारों से अवगत करवाया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद साहब। धन्यवाद साहब। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आज मैं महेंद्रगढ़ में हूं और यहां के एक युवा अपने विचार व्यक्त करने के लिए हमारे पास आए हैं। जवान, सबसे पहले अपना नाम बताओ और अपना गांव कौन सा है ये भी बताइए। नाम जी सर, परवीन भारद्वाज, गांव नीची बांडोर। मैं आपका महेंद्रगढ़ पहुंचने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आप इतनी कड़ी धूप में 47 डिग्री सेल्सियस पर आप महेंद्रगढ़ पहुँचे, आपका अति आभारी हूँ। धन्यवाद। भाई जी का नाम प्रवीण भारद्वाज है और ये नीची भांडोर गांव से संबंध रखते हैं। प्रवीण जी, 25 मई को आपका नीची भांडोर जो गांव है वो ज़्यादातर मतदान किस पार्टी को करने जा रहा है, उसका मैं रुझान पता करना चाहता हूँ। देखो जी भाई साहब, मेरा गांव 100% वोट भाजपा पार्टी को देने जा रहा है, क्योंकि युवाओं में जो जोश है वो देखने से बन रहा है। मैंने जाके देखा, 2-3 दिन पहले बेरी गांव भी मैं गया, चामदेड़ा भी मैं गया, खातीवास भी मैं गया, नांगड़ सिरोही भी मैं गया। जो युवा है उस हर युवा की आवाज़ है मोदी मोदी मोदी। यानी कि मोदी फैक्टर आपके इलाके में लागू हो रहा है? जी, बहुत ज़्यादा लागू हो रहा है। तो इसका बेसिकली मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? मुख्य कारण जी, आज आप दादरी से चलकर अगर नारनौल जाते हो 148B जी, देखने से उस रोड पर से जो भी इंसान गुजरेगा वो जरूर मोदी जी को वोट डालेगा। हमें दादरी जाते वक्त ये 2 दिन पहले सोचना पड़ता था यार दादरी कैसे जाएंगे, वो गड्ढे जी, गाड़ी की आती सर्विस करवानी पड़ती थी, या कोई टायर पंचर हो जाना, या टायर फट जाना, या कुछ भी हो जाना, कुछ ना कुछ ज़रूर होता था गाड़ी में जी। आज वो देखो वही रोड, आज हमें दादरी जाने में 35 से 30 मिनट लगती हैं, और वही जब हम जाते थे 1.5 घंटे के लगभग लगता था, और हमारी गाड़ी के कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाता था। हम रोडवेज में भी जाते थे, कई बार देखा है रोडवेज बसें भी बीच में रुक के खड़ी हो जाया करती थी, क्योंकि जी इतने इतने गड्ढे थे जी, ऐसी हालत हमारे नारनौल रोड की थी जी। तो प्रवीण जी, आपने कहीं जोश जोश में तो नहीं बोल दिया कि 100% बीजेपी को ही मतदान होगा? नहीं जी, ये कोई जोश नहीं है। आने वाली 25 तारीख को आप खुद ये कहोगे, मैं आपके पास दिल्ली मिठाई का डब्बा लेकर पहुंचूंगा, और आप ये कहोगे हाँ प्रवीण जी आपने जो कहा था वो बिल्कुल सही। चलिए प्रवीण जी, आपने अपने विचारों से अवगत करवाया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। आपका भी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको भिवानी के एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाता हूँ जिसका हजारों हजार परिवारों में सीधा संपर्क है और जिसका बहुत ही बड़ा सामाजिक दायरा है। ऐसे ही एक भिवानी के वरिष्ठ वकील हमारे साथ में हैं, मैं इनका इंट्रोडक्शन इनके ही श्रीमुख से आपके सामने रखवाऊंगा। बाबू जी, सबसे पहले तो आप अपने श्रीमुख से अपना परिचय दें। मेरा नाम मदन पाल सैनी एडवोकेट है और मैं गांव सिकंदरपुर का हूं, और 1998 से यहां बतौर प्रैक्टिस करता हूं वकील भिवानी बार एसोसिएशन में। सैनी साहब, आपका तो एक बहुत बड़ा ही सामाजिक दायरा है और हजारों परिवारों के साथ आपके सीधे संपर्क हैं। बिल्कुल, लोगों से रोज़ाना आपका बात करना होता है, उनके साथ उठना बैठना होता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आने वाली 25 मई को आपको कैसा रुझान लग रहा है, बीजेपी का या कांग्रेस का? 100% बीजेपी का है।
क्योंकि लोग मोदी को चाहते हैं और मोदी को भगवान श्री राम का अवतार बताते हैं जी, क्योंकि मेरी काफ़ी क्लाइंटेज है जी, काफ़ी 26 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ भिवानी के अंदर, तो लोगों के रुझान के बारे में मैं पता करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि भाई मोदी सरकार बनेगी या कांग्रेस की बनेगी, तो ओबियसली 99% आदमी ये कहते हैं कि मोदी की बनेगी। और ये भी मेरे को सुनने में आया है कि मोदी को भगवान श्री राम का अवतार और योगी को श्री लक्ष्मण का अवतार बताते हैं लोग, ऐसी लोगों की भावना है, मतलब लोग भाव विभोर हैं। हाँ, भाव विभोर हैं जी। और मैं तो चाहता हूँ जी कि जब तक मोदी जीवित है जब तक देश का प्रधानमंत्री बने और उसके बाद योगी जी बने। अच्छा, जैसे सैनी साहब जब समाज में आप उठते बैठते हैं तो क्या क्या बातों को लेकर के मोदी के प्रति जो है लोग एक प्रकार से ये समझिए कि उसके मुरीद हैं? हाँ जी, मोदी के लोग इसलिए फैन है क्योंकि जो पिछले 70 सालों में काम नहीं हुआ वो उससे कई गुना ज़्यादा 10 सालों में हुआ है। सही, आप किसी भी क्षेत्र से ले लो, शिक्षा से ले लो, स्वास्थ्य से संबंधित ले लो, कितने एम्स बने हैं, कितनी यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं, कितने कॉलेज बने हैं। सैनी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो यहाँ पर बार है, हाँ जी, यहाँ पर भी बड़ी काफ़ी संख्या में वकील हैं, हाँ जी, उनका रुझान क्या है? उनका रुझान भी तकरीबन है ना बीजेपी की तरफ है। आपकी जो वकील बिरादरी है, हाँ, उसमें किस रेशों में और किस पार्टी की तरफ रुझान है, मैं ये जानना चाहता था। देखो, 80% लोग हैं बीजेपी की तरफ से हैं। ओके, 20 अदर हैं। अच्छा, 20 में तो फिर सभी आ गए, सभी आ गए, जेजेपी, आप, इनेलो, सब आ गए, सपा, बसपा, कांग्रेस, हाँ जी, सब। लेकिन सैनी साहब, मैं एक अंत में आपसे एक और प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों के समक्ष एक अपील करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें। और मेरा लक्ष्य है, हमारे YouTube TV का एक लक्ष्य है कि अब की बार हरियाणा में 80% से ज़्यादा मतदान होना चाहिए। तो कृपया अपने शब्दों के द्वारा हमारे दर्शकों तक अपनी बात को पहुँचाएँ। मैं दर्शकों से अपील करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हमें 100% वोट दे, नहीं तो हमें कोई वोट देने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम कोई नहीं है, क्योंकि देश का निर्माण सिर्फ वोट से हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। इसलिए मेरी भाइयों से, बहनों से, माताओं से मेरी अपील है, मेरी प्रार्थना है कि वो पोलिंग बूथ के ऊपर जाए हैं और अपना बहुमूल्य कीमती वोट दे कर आए और अवश्य दें। नमस्कार, इस समय मैं गांव सौंफ कासनी में हूं और यहां के एक व्यक्तित्व हमारे साथ में हैं। भाई जी, सबसे पहले तो अपना पूरा नाम और पूरा परिचय दें। मेरा नाम पवन कुमार है, मेरा गांव सौंफ कासनी में, वार्ड नंबर 7 से मेंबर हूं। वार्ड नंबर 7 से आप मेंबर भी हैं? हाँ जी। तो पवन जी, हाँ जी, YouTube TV आपसे ये जानना चाहता है कि सौंफ कासनी जो ये गाँव है, इसका रुझान क्या है? मतलब यहाँ के जो जनता है, यहाँ की जो जनता है वो किसको वोट देने जा रही है, कांग्रेस को या बीजेपी को? देखो, मेरे गांव की जो जनता है, अब की बार मेरे गांव की जनता का पूरा रुझान कांग्रेस की तरफ है। हम राव दान सिंह को वोट देंगे क्योंकि भाजपा से हम थक चुके हैं। भाजपा की सरकार के अंदर हमारा कोई काम ही नहीं हुआ, ना तो कोई भाई पानी की व्यवस्था हुई हमारे, ना कोई मेडिकल सुविधा, ना बच्चों के लिए कोई भाई इसी स्कूल भाई जो है ना कोई अपडेट किया, तो हम तो परेशान हो चुके। अब परेशानी में हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। तो पवन जी, यदि हम प्रतिशत की बात करें, मान लीजिए आपके गांव में जितने भी वोटर हैं, मतदाता हैं, उनमें से कितने प्रतिशत लोग कांग्रेस को और कितने प्रतिशत लोग बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं, एक आइडिया आप बताएं। आइडिया ये है जी, मेरे गाँव का 75% वोट हम कांग्रेस को और 25% वोट भाजपा को। पवन जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए, हमारे दर्शकों को अपने विचारों से अवगत करवाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप। नमस्कार दर्शकों, आज मैं महेंद्रगढ़ में आया हुआ हूं और यहां पर मैं रुझान पता कर रहा हूं कि 25 मई को कौन सा गांव किधर वोट करेगा। इसी क्रम में एक और सम्माननीय बुजुर्ग हमारे पास में हैं। बाऊजी, सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बताएं और आपका गांव कौन सा है? जगदीश प्रसाद, गांव मालड़ा। जगदीश प्रसाद जी गांव मालड़ा से हैं।
जगदीश जी, क्या लगता है 25 मई को आपका जो गांव है मालड़ा, ये ज़्यादातर वोट किस पार्टी को करने जा रहा है? यदि आप बताते हैं तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। अजी, मोदी की तरफ गांव का झुकाव है, 60% मोदी के वोट है। तो मोदी के वोट क्यों है? देश को आगे ले गया है, इंडिया में इंडिया को चमका दिया, विदेशों में नाम कर दिया, और जो वादा करता है वो उसका वादा अटल है। 370 हटाई, क्या कुछ नहीं कहा, जिसने उसने कहा वो ही काम पूरा करके दिखाया। हम इसलिए मोदी के तरफ झुक रहे हैं। तो आपके गांव में लगभग कितने वोट होंगे? वोट हमारे गांव में लगभग 4,044 वोट है। तो आपके 4200 वोट में से यदि हम 4000 वोट काउंट करें, मान लीजिए मोटा मोटी, तो 4000 में से कितने वोट बीजेपी को जाने की संभावना है? 4000 मत समझो, 3200 वोट ही मानो। गर्मी का टाइम है, 3200 वोट पोल होंगे, और 3200 वोटों में 2000 वोट मोदी के, बाबा अन्य पार्टी जी। बाबा जी का ऐसा मानना है कि 3200 वोट यदि पोल होते हैं तो उसमें से 2000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहे हैं और जो बाकी वोट हैं वो अन्य पार्टियों को। ऐसा ही बाबा जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आज मैं भिवानी की बार एसोसिएशन में हूँ और यहाँ पर यह जानने के लिए आया हूँ कि यहाँ पर जो हमारे अधिवक्ता हैं, हमारे जो वकील भाई लोग हैं, उनके सर्कल के जो लोग हैं उनका रुझान क्या है। इसी क्रम में एक और व्यक्तित्व हमारे साथ में है। भाई जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार जी, मेरा नाम इंद्र प्रकाश मेहरान है, मैं भिवानी रहता हूँ और जुई गांव से बिलोंग करता हूँ। मेहरान जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने जैसा बताया कि आप जुई गांव से संबंधित हैं, तो अक्सर आपका जुई गांव आना जाना भी लगा रहता होगा? मेरा जुई गांव में आना जाना भी रहता है और मेरे पास गांव के आसपास के गांव के काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है आने वाली 25 मई को जो आपका जुई गांव है उसका रुझान क्या है? कौन सी पार्टी को ज़्यादातर मतदान होने जा रहा है, बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, इनेलो या किसी अन्य पार्टी को, क्या लगता है आपको? मेरे गांव में ज़्यादातर वोट जो है पहले चौहान बंसीलाल का होता था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं, चौहान बंसीलाल जी नहीं रहे और उसके साथ ज़्यादा गांव जुड़ा हुआ था, और अब चौधरी धर्मवीर और दान सिंह में कैंडिडेट हैं, मेन कैंडिडेट। वैसे तो इनलोर जेजेपी भी हैं, लेकिन मेन जो कॉन्टेस्ट है दो ही पार्टियों में है, बीजेपी और इनलोर में जी। तो बीजेपी का भी जो कैंडिडेट है चौधरी धर्मवीर सिंह, वो भी एक सुलझावा और बड़ी आदमी है जी, जिसने काफ़ी इलेक्शन लड़े हैं, कोई इलेक्शन वो हारा भी नहीं है, और वो निष्पक्ष और एक सुलझावा कैंडिडेट है जी, जिसने 10 साल से है लोगों की काफ़ी सेवा की है जी, और मोदी के कार्यकाल में उसने काफ़ी काम भी करवाए हैं, जिस तरह 152D जो 6 घंटे लगते थे हमें चंडीगढ़ पहुंचने में जी, आज मात्र 3 घंटे में हम चंडीगढ़ भिवानी से पहुंच जाते हैं जी। ये चौधरी धर्मवीर या राव इंद्रजीत की देन लगा लो, या नितिन गडकरी या मोदी जी की देन लगाओ आप जी, हैं। और ऐसे बहुत से सरकार ने काम किए हैं और मोदी जी का तो कोई मुकाबला नहीं है, वो तो एक देश को उठाने के लिए एक योगी की तरह ही है, एक कर्मयोगी संत भी कह लो उसको, तो ऐसा व्यक्तित्व है मोदी जी का। और सारा जो इलेक्शन है आज 2024 का, मोदी वर्सेस अदर्स जो गठबंधन है, जो कभी आपस में नहीं मिला, और आज सारे चोर इकट्ठे होकर मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे हैं, मोदी एक तरफ है और बाकी गठबंधन में जितने भी भ्रष्ट आदमी हैं, भ्रष्ट आदमी तो चलो कांग्रेस से टूट के बीजेपी में भी आए हैं, लेकिन मोदी के नेतृत्व में वो अपना ना पंख भी नहीं मार सकते, क्योंकि मोदी का नेतृत्व बड़ा सशक्त है और काम करने वाला है। और मोदी जी की छवि जो आज पूरे वर्ल्ड में जो उभरी है ना जी, शायद ही किसी नेता की, किसी पीएम की
तो बन पाई हो जी। रहा मेरे गांव का सवाल, तो जाट बहुले गांव है, किसान भी ज़्यादा हैं, कुछ एक नाराज़गी भी है, कुछ एक फेरबाजी भी है। किसान आंदोलन में शायद वो संतुष्ट न हो जाए, उसके तो थोड़ा सा यूँ लगता है कि भी कांग्रेस के भी वोट पड़ेंगे, लेकिन अल्टीमेटली मेरे गांव में बीजेपी का ही ज़्यादा माहौल रहेगा, चाहे 60-40 रहो चाहे 70-30 रहो, अल्टीमेटली बीजेपी का ही रुझान है और आसपास के गांव में भी बीजेपी का ही है, लेकिन कांग्रेस भी बड़ी पार्टी है, वोट उसके भी है। आसपास के गांव की बात करें तो जैसे आप क्योंकि एक एडवोकेट हैं तो आपके पास तो भिवानी और आसपास के इलाकों के अनेकों लोग मिलने के लिए आते हैं, केसी जाते हैं, आपसे वार्तालाप करने भी आते होंगे, और आपका बड़ा एक व्यापक दायरा है, व्यापक एक सर्कल है, तो गाँव की तरफ से ज़्यादातर क्या बात सामने आती है? अभी आने वाली 25 मई को वो लोग बीजेपी की सरकार बनाने जा रहे हैं या कांग्रेस की? एक मोटा मोटी आइडिया की बात कर रहे हैं अपन। मेरे अपने हिसाब से तो ना यूं लगता है कि बीजेपी ही अप है, क्योंकि इसके जो काम देखें, इसकी जो सड़कों का जाल बिछाया है और जो रेल नेटवर्क है, हाईवे हैं, एम्स हैं और जो आईआईएम हैं, शायद जो 50 साल में बीजेपी ने कांग्रेस ने किया है ना, वो शायद 10 साल में बीजेपी ने वो कार्य किए हैं। तो मेरे को तो लगता है कि हमें मोदी जी को एक बार नहीं अनेकों बार मौका देना चाहिए, क्यों इससे बढ़िया प्राइम मिनिस्टर हमें आज तक तो मिला नहीं है, आगे भगवान की कृपा है शायद इससे अच्छा कोई हो तो अलग बात है। अब हम आपके सर्कल की यदि बात करें, जैसे आप भिवानी में हैं, भिवानी में बैठते हैं, तो आपका जो ओवरऑल सर्कल है, मैं चाहूँगा कि उनके भी थॉट्स आप हमारे दर्शकों तक पहुँचाएं कि उनकी क्या सोच है। सर्कल तो अमन जी हर तरह के होते हैं, किसान वर्ग भी आता है, जातिगत भी वोट हैं, तो जातिगत वोटों में कहना मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा कि भी कुछ एक वोट नाराज भी हैं, उनके अपने स्वार्थ हैं, लेकिन ये जो इलेक्शन है ना, ये राष्ट्रीय इलेक्शन है और ये एक केंद्र की सरकार बनाने के लिए है, इसमें शायद लोग ये भूल जाते हैं, क्यों वोटर बहुत समझदार है, वो राष्ट्रीय को बढ़ाने के लिए, अपने देश को बढ़ाने के लिए शायद वोट करेगा, और अगर स्टेट का इलेक्शन होता चाहे समीकरण बदल भी जाते, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि अब समीकरण बदलेंगे, एक बार फिर मोदी सरकार और मेरे को तो लग रही है, और जो नारा नहीं कहूँगा मैं, हकीकत है मोदी सरकार तो आनी ही आनी है, और सीट कितनी आएंगी वो डिपेंड करता है कि हो सकता है 400 से बहुत ज़्यादा आ जाए। मेहरान साहब का ऐसा मानना है कि दो प्रकार के चुनाव होते हैं, एक राज्य स्तर का और एक केंद्र स्तर का, तो जो ये जो चुनाव है 25 मई को जो मतदान होगा वो देश के लिए होने जा रहा है, केंद्र के लिए होने जा रहा है, इसमें जो एमपी जीत कर जाएगा वो हमारे देश के प्रधानमंत्री का चयन करेगा, राज्य में जो एमएलए जीत कर जाता है वो मुख्यमंत्री का चयन करता है, तो अपना स्वार्थ भी होता है, स्टेट में अपना भी स्वार्थ होता है, वोटर का भी स्वार्थ है, एमएलए का भी स्वार्थ है जी, कि भी ज़्यादातर लोगों ने एमएलए से ही वास्ता पड़ता है, किसी ने बदली करवानी है, किसी ने नौकरी लगवानी है, किसी ने कुछ अपना को छोटा मोटा कारोबार करना है, लेकिन ये चुनाव तो एक हमारा देश की गरिमा का सवाल है जी। न कि कोई स्वार्थ का सवाल है, इसमें वोट अलग अलग भावना सोचता है, इसमें वोट की कैटेगराइज मैंने अपने हिसाब से वोट की कैटेगराइज किया है, जिस तरह जवान वोट है, नया वोट है, उसको चाव है जो 18 साल से लेके 25-26 साल तक जो नया वोट है वो 100% वोटिंग करेगा जी, और उसको कांग्रेस की कार्यप्रणाली या उससे कोई मतलब नहीं है, उसको तो सिर्फ मोदी नज़र आता है जी। शायद वो शायद क्या 100% मेरे हिसाब से वो मोदी को ही वो करेगा, क्योंकि मोदी उनके दिलो दिमाग पर बैठ चुका है जी। अगला वोट जो है ना वो इंटेलिजेंट वोट है जी, 25 साल से लेके 45-50 साल तक जी, मेरे हिसाब से हो सकता है आपके विचार अलग हों जी, वो इंटेलिजेंट वोट है, वो जवान है,
वो पढ़ा लिखा है, वो ये भी देखता है भी देश की भलाई कहाँ है, तो वो एक बहुत बड़ी तादाद है वोटों की और वो समझदार वोट है। शायद ऐसा वोट डेवलपमेंट को लेके, कैंडिडेट की स्थिति देख के, महाठक बंधन है जो गठबंधन कह लो, ठगबंधन कह लो, चोरों की जमात है, तो वो शायद जवान जो वोटर है ना वो भटकेगा नहीं, सारा देश हित में ही वोट करेगा और देश हित में मोदी से बड़ा आज गठबंधन में कोई भी ऐसा नेता नज़र नहीं आता जो मोदी मैं बाकी बीजेपी के नेताओं के बारे में नहीं कहना चाहता, कुछ एक हैं नेता लेकिन मोदी के बारे में तो लोगों की यही विचार है कि मोदी ही देश को की छवि को अच्छा रखेगा, बढ़िया रखेगा, डेवलपमेंट करेगा, जितनी भी एम्स हैं डबल कर दिए जो कांग्रेस ने 50 साल में किए थे, आईआईएम डबल कर दिए, रोड जितने रेलवे ट्रैक बने थे वो डबल कर दिए, मतलब डेली इतने काम हो रहे हैं, हाईवे अलग कर दिए और कहाँ कहाँ बताएं कि हम चंद्रमा तक पहुँच गए और क्या बताएं जी हम, मेरे मेरे साल में आध घंटा पौन घंटा बोल सकता हूँ इस बात पे कि उसके काम गड़ाने लग जाता हूँ, लेकिन कुछ मेरे साथी हैं है, वो उनकी क्रिटिसाइज भी करते हैं, उनका समझ में नहीं आती, उनके अपने सवारते हैं, किसी ने बच्चे की नौकरी लगवाना है, किसी ने बदली करवानी है, हैं कोई किसी ने कुछ करना है, कोई है ना अपने बिजनेस बना रखा है राजनीति को, चोर तो सारी पार्टियों में कुछ मूर्खता भी है, मूर्खता भी है, कुछ चोर सारी पार्टियों में बीजेपी में भी है जी, जी। लेकिन हमारे कैंडिडेट भी बढ़िया हैं, उन पर कोई एलिगेशन नहीं है, वो नयाज शरीफ जेंटल आदमी हैं, उन पर किसी प्रकार का एलिगेशन भी नहीं है, तो मैं तो मेरी तो अपनी पर्सनल इच्छा यह है कि बीजेपी भारी बहुमत से हरियाणा में भी जीतेगी और पूरी इंडिया में भी जीतेगी, और बाकी आप पत्रकार हो, आपको ज़्यादा पता है, आप घूमते रहते हो जी, तो आपका एनालिसिस भी अलग होगा जी, और मेरा अपना एनालिसिस है, अपना विवेक से बात कर रहा हूँ, और मेरे सब तो इकट्ठे नहीं होते, हो सकता मेरे घर में अलग अलग हो। मेहरान जी, मैं अंत में आपसे एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप अपने शब्दों के द्वारा हमारे जो दर्शक हैं उन तक एक मैसेज पहुँचाए। मैं ये चाहता हूँ, मतलब हमारा जो यूट्यूब टीवी है वो ये चाहता है कि अब की बार 25 मई को हरियाणा में कम से कम 80% मतदान होना चाहिए, तो किन शब्दों में आप हमारे दर्शकों को प्रेरित करना चाहेंगे? मैं मेरी रिक्वेस्ट तो सभी से यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान डाल करके अपने देश के भविष्य के लिए मतदान करें। धन्यवाद मेहरान साहब, आपने समय दिया, अपनी बात हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमन जी। नमस्कार दर्शकों, आज मैं महेंद्रगढ़ में हूं और यहां पर समाज के अनेकों व्यक्तित्वों से मुलाकात कर रहा हूं कि उनके गांव का रुझान क्या है। इसी क्रम में एक और सम्माननीय व्यक्तित्व हमारे साथ में है। भाई जी, सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बताएं और आपका गांव कौन सा है? जी, हमारा गांव रजावास है जी, और नाम राजकुमार है जी, तो जिला महेंद्रगढ़ जी। राजकुमार जी, क्या लगता है 25 मई को आपका गांव रजावास ज़्यादातर मतदान किस पार्टी को करेगा? जी, भारतीय जनता पार्टी को, हमारे 2500 वोट है इसमें। हाँ जी, शर्मा जी का गांव है जी, रामदास शर्मा जी का, हमारे गांव में बढ़िया प्रोग्राम करा है शर्मा जी को, पानी की सुविधा करवा दी यहाँ पर जी, कई गांव हम करवाए जी, मान ली मंडला जेरपुर उसनापुर बुढ़ी बड़ाचिया कई गांव में सुविधा करी जी। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जो गांव है रजावास, वो ज़्यादातर मतदान किस पार्टी को करने जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी को करेगा जी। तो भारतीय जनता पार्टी को मतदान ज़्यादा क्यों करेगा, अब बताइए आप। अब जी, हमारे गांव में एक तो पानी की सुविधा कर दी शर्मा जी को जी। हाँ। एक जी मोदी जी को हमारे गांव में पानी पीने की सुविधा कर दी जी। एक इसके मंदिर जी 90% वोट देंगे मोदी जी को। अच्छा, मतलब आपने बताया कि 90% जो वोट है वो बीजेपी को जाएगा और बाकी 10% अन्य को।
10% मैं 90% जीत जाएगा बीजेपी का वोट और कुछ बच गया जी वो उसको मान दूसरी पार्टी हो जाएंगी जी। भाई जी आपने अपने विचार व्यक्त किए, धन्यवाद, शुक्रिया। नमस्कार दर्शकों, मैं आज भिवानी की बार एसोसिएशन में आया हुआ हूँ। भाई जी सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। मेरा नाम गोपाल कृष्ण है जी, मैं 30 सालों से भिवानी कोर्ट में बतौर मुंशी का कार्य कर रहा हूँ वकील साहब के पास। अच्छा, गोपाल जी आप मुंशी का कार्य करते हैं तो जाहिर तौर पर आपका तो हजारों लोगों से रोजाना वार्तालाप जो है वो होता रहता होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 25 मई को जो हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव हो रहा है हरियाणा में, उसको लेकर के लोगों के क्या विचार हैं? यदि आपके किसी से हुए हों या कोई वार्तालाप हुई हो, आपको क्या रुझान लगता है कि कौन सी पार्टी को ज़्यादा मत प्राप्त होने जा रहे हैं? देखो जी, हमारे पास कई गाँव के लोग आते हैं और कई जातियों के लोग आते हैं, जैसे कि बातचीत उनसे होती है तो उनका रुझान तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का नारा ही है। एक वो मोदी जी को बड़ा लाइक करते हैं, मोदी जी को नहीं उनके काम को बड़ा पसंद करते हैं, इसलिए मेरे हिसाब से तो मोदी जी विजयी होंगे जी। यदि मैं आपसे जानना चाहूं कि जैसे मान लीजिए आप एक दिन में 100 लोगों से मिले, एक संभावना की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है अभी 100 में से कितने प्रतिशत लोग बीजेपी के समर्थक होते हैं या 100 में से कितने प्रतिशत कांग्रेस के समर्थक होते हैं? हाँ जी, मेरे विचार से तो मोदी जी के लगभग 90% बंदे हैं जी। आपके सर्कल में यदि एक दिन में 100 लोग आते हैं तो उसमें से 90% मोदी के समर्थक होते हैं, यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों, मोदी जी ने बड़े अच्छे काम किए हैं, देश को तरक्की के मार्ग पर पहुंचाया है और आगे भी भविष्य में अच्छे काम करेंगे। यदि मैं आपकी व्यक्तिगत राय जानना चाहूं तो आपका क्या रुझान है, आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? मैं तो जी नरेंद्र मोदी जी के साथ हूं, बीजेपी के साथ हूं जी। गोपाल जी आपने अपने विचार व्यक्त किए, मैं शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि मैं आपको अनेकों बार बता चुका हूं, आज मैं महेंद्रगढ़ में हूं और महेंद्रगढ़ के आसपास के जितने भी गांव हैं उनमें किस पार्टी का रुझान है ये पता करने की कोशिश कर रहा हूं। इसी क्रम में एक और व्यक्तित्व हमारे साथ में है। भाई जी अपना शुभ नाम बताएं और आप किस गांव से हैं? शुभ नाम जी मेरा कृष्ण है और मैं आकोदा गांव से बिलोंग करता हूं। इनका नाम श्री कृष्ण है और ये आकोदा गांव से संबंधित हैं। कृष्ण जी आपको क्या लगता है कि 25 मई को आपका आकोदा गांव ज़्यादातर मतदान किस पार्टी को करेगा? जी मेरा गांव तो ये है जी 50-50 है, 50-50 है। आपको लगता है कि आपके गांव में 50-50% वोट है, यानी कि 50% कांग्रेस को और 50% में अन्य पार्टियां, या 50% बीजेपी को, मतलब 50% बीजेपी को और 50% में अन्य पार्टियां? नहीं, बात में फर्क है थोड़ा। मतलब ये है कि जी 50 में कांग्रेस है, 50 में बीजेपी है। एक बार आप समझने की कोशिश कीजिए, यदि एक व्यक्ति को 50 मिल गया तो दूसरे जो 50 है उसमें फिर 3 है, जेजेपी है, इनेलो है, आप है, बसपा है और कांग्रेस है, और यदि 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 एक 50 मिल गया कांग्रेस को तो फिर उसमें बाकी के 50 में बीजेपी भी है, इनेलो भी है और कांग्रेस। देखो जी बीजेपी जो है वो 50 में है और बाकी जो 50 में है जजपा और कांग्रेस। कृष्ण जी ने अपनी बात स्पष्ट कर दी है कि इनका ऐसा मानना है कि जो इनका गांव आकोदा है वो 50% वोट करेगा बीजेपी को और 50% में जो अन्य पार्टियां हैं, अन्य जो प्रत्याशी हैं उनको मतदान होगा। पार्टियां तो दो ही है जी, जजपा और कांग्रेस ही है, बीजेपी और कांग्रेस। हाँ जी कृष्ण जी आपने अपने विचारों से अवगत करवाया, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आज मेरे साथ में हमारे ग्रामीण भाई हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि भिवानी के आसपास के जो गांव हैं उनका माहौल क्या है, उनका रुझान क्या है, 25 मई को ज़्यादातर लोग
किस तरफ मतदान करने जा रहे हैं। बाबूजी सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम दलवीर है जी। दलवीर जी, आप जब भिवानी के आसपास के गांव में जाते हैं तो आपको क्या माहौल लगता है, किस तरफ रुझान है, बीजेपी की तरफ, कांग्रेस की तरफ, इनेलो की तरफ, आपकी तरफ या जजपा की तरफ? भाजपा की तरफ है जी रुझान। और वोट जो डालने हैं ये लोग कहते हुए कि जी हम कांग्रेस को देंगे लेकिन बनेगी भाजपा, इसमें जो भी तो कोई कारण है तो इस कारण का जो है जी नाम दले कांग्रेस का देंगे, वोट भाजपा को देंगे। इसी तरह जी गांव का सभी का यही रुझान है। तो ऐसा वो क्यों कहते हैं कि वोट तो देंगे कांग्रेस को लेकिन जीतेगी भाजपा, ऐसा क्यों बोलते हैं? यो वोट देने का कारण है जी यो। अच्छा। हाँ, उसको भी राजी करेंगे, उसको भी राजी करेंगे। जो पिछले 10 साल में बीजेपी की सरकार रही है उससे पहले 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हरियाणा में सरकार थी, कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, यदि आपके श्रीमुख से हम इसका विश्लेषण करना चाहें, कौन सी सरकार आपको अच्छी लगी और क्यों? अरुण जी मोदी की सरकार अच्छी लगी, जिन्होंने गरीबों के लिए खाना वाना अन्नदान का जो इतनी सहायता करी है घर मकान की, वो किसी सरकार ने नहीं करी जी, जो कि भाजपा ने और मोदी जी ने की। हम तो जी बोल भी मोदी जी को देंगे जी। हाँ ठीक है बाबू जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आज मैं महेंद्रगढ़ में हूँ और यहाँ पर व्यक्तियों से ये पता कर रहा हूँ कि आने वाले चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिलने वाला है, खास तौर से यहाँ के आसपास में जो गांव हैं वहाँ का रुझान क्या है। इसी क्रम में एक और सम्माननीय व्यक्तित्व से हमारी मुलाकात हुई, मेरे साथ में हैं। बाबूजी सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएँ, कौन से गाँव से हैं आप? मेरा शुभ नाम जी हरपाल है, ब्लॉक समिति पूर्व चेयरमैन, हल्का दादरी, और गांव कौन सा है? गांव छपार से हूं जी। मैं आपके श्रीमुख से ये जानना चाहता हूं कि जो आपका गांव छपार है उसकी क्या स्थिति है, 25 मई को आपका गांव छपार कौन सी पार्टी को सबसे ज़्यादा मतदान करने जा रहा है, कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, जेजेपी या आप पार्टी? मेरे गाँव में सर, गाँव छपार में 5500 वोट हैं जी, 5500 वोट में से 3500 वोट पोलिंग होगी सर। अच्छा। 3500 वोटों में से 2200 लगभग 2000 वोट बीजेपी को समर्थन देंगे। अच्छा। हाँ। यानी के 3500 मतलब 350 हो गया, 70%, यानी के 65-70% बीजेपी को जाएगा। हाँ जी। और बाकी जो है बाकी सब और पार्टियों को। अच्छा, यदि मैं ये जानना चाहूँ कि भी बीजेपी को आपका गांव वोट क्यों दे रहा है, आपको एक दो कारण बता सकते हैं? हाँ जी बता सकते हैं जी। बीजेपी ने जी विकास कार्य किए और अनेक योजनाएं चलाई, इसलिए हम बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। बाबू जी आपने अपने विचार व्यक्त किए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।